हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। सभी को एक बार प्यारी सी गुड इवनिंग है मेरे सभी साथियों को। और कैसे आप लोगों के एग्जाम जा रहे हैं? अभी एक स्टूडेंट ने हमारे स्टूडेंट ने एक कमेंट पोस्ट किया था, सर 86 अटेम्प्ट हैं, 10 गलत हो गए हैं, क्या होगा? तो दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स पर पूरा फोकस करिएगा, सीबीटी 2 के लिए तैयार रहिएगा, तो सारी चीजें तैयार रखिएगा। तो गुड इवनिंग है मेरे सभी साथियों को। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आप लोगों का ऐलाने जंग आप लोगों को मालूम है, जर्नल अवेयरनेस की क्लास है जिसके अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला हूं 40 क्वेश्चन के अंदर। मतलब इसके अंदर हम अगर हम बात करें तो जब तक हमारे ग्रुप डी के एग्जाम नहीं चलेंगे, मतलब जब तक ग्रुप डी का लास्ट एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको करने वाले हैं। तो एनटीपीसी के बचे हुए पेपर और ग्रुप डी के जितने भी मेरे दोस्तों पेपर हैं आप लोगों के सारे यहां से कवर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो आप लोगों का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे साथी हैं जो अन्य पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि उनको भी यहां से चीजें जो हैं सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ ही पहला जो आप लोगों को जानकारी है वो सुबह के 6 बजे की करंट अफेयर की। तो दोस्तों ये क्लास डेली सुबह 6 बजे होती है, इसको मिस करना मतलब पाप करने के जितना है, तो इसको मिस मत करिएगा क्योंकि यहां से सारी चीजें आप लोगों के पेपर में बनती हैं। मतलब कोई भी पेपर आप देने जाओगे यहां से आपको चीजें डायरेक्टली मिलेंगी, ठीक है, और वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा डेली सुबह 6 बजे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों ये ACIO के लिए क्लास चल रही है जो कि आप लोगों को सभी को मालूम है मेरे दोस्तों, 12 बजे दिन में होती है। तो ये जिनका IB का एग्जाम है 18, 19, 20 तारीख को, वो इसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। एक तरह का रिविजन आप लोगों का चल रहा है, चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है। आगे बात करेंगे दोस्तों तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप लोगों की 2 क्लास होती हैं, एक 10 बजे होती है, एक 2 बजे होती है। एक भी क्लास को मिस मत करिएगा, चाहे 10 बजे वाली हो चाहे 2 बजे वाली हो। अगर आप इन क्लासेस को मिस करते हो तो दोस्तों आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं छूटने लगती है, कहीं ना कहीं चीजों को भूलने लगते हो। तो ऐसे मेरे साथी जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या किसी भी तरह की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए सुबह 10 बजे और दोस्तों स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस के लिए 2 बजे आप लोग मेरे को मिलोगे। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक नीचे मिल जाएगा, आपकी तैयारी आपका इवैल्यूएशन चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो साथी जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजों को पढ़ना है, तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मेरा जो बैच है वो लाइव हो चुका है और 15 फरवरी से आप लोगों के सामने होगा। मतलब जो मेरा बैच है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है जीके फाउंडेशन को लेकर के, मतलब जिनको जीके बिल्कुल बेसिक से करनी है उनके लिए ये बैच डिजाइन किया गया है, 15 फरवरी से आप लोगों का शुरू हो रहा है। तो चांस को मिस मत करना, पहले ही दिन से आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, इस बैच को आप लोग, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। और यहां पर आप लोगों को क्या करना है, तो जो भी मेरे साथी हैं उनको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 साल वाले में मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस बैच के बाद प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होगा जो कि MCQ के फॉर्मेट में होगा। तो कंप्लीट जीके आप लोगों को यहां पे मैं कराने वाला हूं। और ऐसा ही नहीं कि केवल मेरा बैच मिलेगा, इसके अंदर बाकी दूसरी भी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, चाहे मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो, मतलब जितने भी हमारे टॉप एडुकेटर हैं उन सभी की क्लासेस आप लोगों को इसके ऊपर मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, मेरी आवाज तो आ रही है ना, एक बार जल्दी से थम्सअप दिखा देंगे अगर आवाज आ रही है तो, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को GC10 कोड लगाने के बाद मिल जाएगा मेरे दोस्तों 10% के डिस्काउंट पर। 1 मार्च से ये डिस्काउंट आपका 5% हो रहा है, तो चांस को मिस मत करिएगा, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉर्मली तो ध्यान से समझेंगे। अब देखिएगा यहां पर अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो सारी चीजें समझ गए हो, कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिएगा, थम्सअप एक बार दिखा दीजिएगा, उसके बाद आज के सेशन को शुरू करेंगे। और जल्दी से नंबर 3 डिजिट में जाएगा, फिर फटाफट से पहले क्वेश्चन से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से
चलो ठीक है, तो सेशन शुरू किया जाए। टेस्ट के लिए रेडी हैं आप सभी लोग? तो रेडी स्टडी गो, जो आज का टेस्ट है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। भारतीय मूल की किस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेरे दोस्तों, अमरजीत कौर को, जसविंदर विलान को, सरनजीत चहल को या फिर मिनाज वर्मा को? तो आंसर क्या बनेगा मेरे दोस्तों? आंसर बनेगा जसविंदर विलान को। क्या बनेगा? जसविंदर विलान को। लेकिन जब यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन जब यह एनटीपीसी में पूछा गया तो पूछने का तरीका क्या था? यह पूछा गया था कि जसविंदर बिलान मेरे दोस्तों कौन से प्रोफेशन से संबंधित हैं? यह क्वेश्चन एनटीपीसी के सेकंड फेज में पूछा गया था। तो आप लोगों ने लगा दिया होगा राइटर मेरे दोस्तों। क्या लगा दिया था? राइटर लगा दिया था। तो भारतीय मूल की लेखिका है जसविंदर बिलान मेरे दोस्तों। इनको क्या मिला है? इनको यूके में चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों राइटर से दो नाम हमेशा याद रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा, पेपर में पूछे जाएंगे। एक नाम आपके सामने आ जाएगा वेद मेहता का और एक नाम आ जाएगा दोस्तों सादिया दहलवी का। ये दो नाम, दो ओबिचुरी हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है मेरे दोस्तों। तो वेद मेहता और सादिया दहलवी जो हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? तो दोस्तों दोनों के दोनों राइटर थे, याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं राइटर, राइटर मतलब लिखना, लेफ्ट हैंडर डे, जो लेफ्ट हैंडर डे है वो कब मनाया जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। दोस्तों 13 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर डे अपना मनाते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। पोर्ट कैंपबेल नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? मैंने कहा था कि अब चीजें जो है वो आगे बढ़ाएंगे, तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे। पोर्ट कैंपबेल नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? इंग्लैंड के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है या फिर जर्मनी के अंदर है? तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का जो आंसर बनेगा डेट इज ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या बन जाएगा? ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। पोर्ट कैंपबेल जो नेशनल पार्क है आप लोगों का, वो हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की दो तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो इस बार पेपर में बनेंगी। सबसे पहले स्कॉट मॉरिसन, पेपर में यह पूछा गया था कि स्कॉट मॉरिसन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे, यह एनटीपीसी का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। स्कॉट मॉरिसन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे मैल्कम टर्नबुल, यह मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोगों को आगे ध्यान रखना है क्या, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कुछ लोग सिडनी लगा देते हैं, लेकिन आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? कैनबरा बनेगा। क्या बनेगा? कैनबरा बनेगा। जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा तो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं वाला मेरे दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप वुमेन 2020 का किसने जीता, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन था। तो आप लोग बता देंगे सर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और फाइनल में किसको हराया था? इंडिया को हराया था। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोस्तों जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में जगह मिलती है लंदन, कौन सी मिलती है? लंदन। दोस्तों लंदन कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है सिडनी, जो आप लोगों का डार्लिंग नदी के किनारे बनता है। दोस्तों यूएसए, यूएसए में आप लोगों को मिलता है वॉशिंगटन। क्या मिलता है दोस्तों? वॉशिंगटन, जहां पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन पूछा गया था आईएमएफ में मेंबर की संख्या कितनी है? 190 है। और दोस्तों जर्मनी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मनी से हमने कौन से संविधान की कौन सी चीज हमने जर्मनी से बोरो की है, तो आप लोगों का आंसर बन जाएगा इमरजेंसी। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी, ध्यान रखिएगा। सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है बता के चल रहा हूं। यहां पर अभय नामदेव का कहना है कि सर ऑस्ट्रेलिया में पहला हमारा क्या था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला वेटलैंड था, रामसर साइट थी मेरे दोस्त, कोबर्ग पेनिनसुला, कोबर्ग प्रायद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट है इसके अंदर तो बता दीजिएगा, अदरवाइज सारी चीजें क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन पर, दो में से दो नंबर पक्के हो गए होंगे आप लोगों के। भारतीय नौसेना आजकल चर्चाओं में भी था, दिसंबर में डे भी मनाया गया था, तो भारतीय नौसेना विमानन संग्रहालय के बारे में पूछ सकता है, चलिएगा।
भारतीय नौसेना जो विमानन संग्रहालय है मेरे दोस्तों, यह कहां पर स्थित है? सर गोवा में है, केरला में है, गुजरात में है या बिहार में है? 10 सेकंड का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोगों का आंसर भी मुझे पता लग जाए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों सबसे पहले गोवा को मार्क करते हैं, तो इसका आंसर जो बनेगा वो गोवा बनेगा। भारतीय नौसेना विमानन संग्रहालय इंडियन नेवल एविएशन म्यूजियम कहां पर है? गोवा में है। अब शब्दों को छाटेंगे, जो जो शब्द आप लोगों के पार्ट बनेंगे। दोस्तों गोवा, अगर कोई पूछने लगा भारत का पहला सैंड ड्यून नेशनल पार्क, भारत का पहला सैंड ड्यून नेशनल पार्क कहां पर है? सर गोवा के अंदर है, सभी लोग जानते हैं। मेरे दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा कार्निवल फेस्टिवल, कार्निवल फेस्टिवल, इस कार्निवल फेस्टिवल को मार्क कर लेंगे, ये ग्रुप डी या एनटीपीसी के आने वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो कार्निवल फेस्टिवल भी गोवा का ही है। दोस्तों एक डांस आप लोगों का आता है फुदगी डांस, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया फोंटेनियस फेस्टिवल। तो जो फोंटेनियस फेस्टिवल है या कार्निवल फेस्टिवल है, यह भी आप लोगों का गोवा का ही बनता है, याद रखेंगे इन सभी चीजों को। दोस्तों पोर्ट की बात करेंगे, मुरमुगाव पोर्ट, कौन सा है? मुरमुगाव पोर्ट, ये पोर्ट भी आप लोगों का गोवा के अंदर है। बात करेंगे केरला की, तो जब भी केरला की बात आएगी तो एक म्यूजियम है मेरे दोस्तों, नेपियर म्यूजियम, कौन सा है? नेपियर म्यूजियम। तो ये जो नेपियर म्यूजियम है ये केरल के अंदर है। दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि वेमनाड लेक कहां पर है, वेमनाड लेक कहां पर है, ये भी केरल के अंदर है। सस्तम कोटा और एस्टामुडी, सस्तम कोटा और एस्टामुडी, ये मेरे दोस्तों केरल बनेगा। गुजरात इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा। दोस्तों ट्वाय म्यूजियम, हमारा ट्वाय म्यूजियम कहां पर बना है? तो दोस्तों गुजरात में ट्वाय म्यूजियम बना है, और इस बार पहली बार हमारा मेरे दोस्तों एक ट्वाय फेयर करने जा रही है भारत सरकार, मतलब जो ट्वाय मेला है उसको ऑर्गेनाइज कर रही है 27 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक, जिसकी वेबसाइट को स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक और पीयूष गोयल साहब ने लॉन्च कर दिया है, याद रखेंगे। तो ये ट्वाय म्यूजियम हो या काइट म्यूजियम हो, ये आप लोगों को कहां मिलेगा? सर ये गुजरात के अंदर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों बिहार, टर्टल का नाम सुना होगा, टर्टल, टर्टल मतलब कछुआ। तो जो टर्टल का रिहेबिलिटेशन सेंटर है, पुनर्निवास केंद्र है, मेरे दोस्तों याद रखेंगे टर्टल, जब कछुआ और खरगोश भागते थे तो कछुआ भाग नहीं पाता था, इसलिए कछुए का रिहेबिलिटेशन सेंटर भागलपुर में बनाया गया है। कहां पर? भागलपुर में, और भागलपुर को हम सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। बस देखो एक चीज समझिएगा ध्यान से, तीन चीजें लिखी होती हैं, एक लिखा होता है जीके, एक लिखा होता है जीए, एक लिखा होता है जीएस। जब जब समझ लीजिएगा पेपर में जीए लिखा है जर्नल अवेयरनेस, या ज्यादा से ज्यादा लिखा है जीके, तो जीके का मतलब स्टैटिक जीके से है, और जर्नल अवेयरनेस का मतलब उन सभी करंट अफेयर से है जो आजकल चल रहा है, चाहे वो करंट अफेयर पॉलिटी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो। बस यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस का तो नाम ही नहीं है सिलेबस के अंदर, ये तो आपको सेकंड सीबीटी 2 में पूछा जाएगा एनटीपीसी के। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, पेपर उठा के देख लो आप, उसी से पता लग जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को छाप लो, आपको सेकंड नहीं लगना चाहिए आंसर करने के लिए, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, रेगुलर सेशन देख लीजिएगा सारे, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना ऑप्शन के ऐसे आंसर बताते चलोगे, ठीक है? तो समझ रहे हो ना मेरी बात को, कहां पर मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है? चलिएगा, तो ये आप लोगों का मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन, चलने से पहले भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का है। भारतीय नौसेना के एडमिरल कौन है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट, बस इतना सा देख लो और इसको चारों तरफ से घेर लो। नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट कहां पर है मेरे दोस्तों? तो तेलंगाना में है, केरल में है, असम में है, या फिर आप लोगों का बिहार के अंदर है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं, असम के अंदर आप लोगों का क्या है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट है। क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा,
तो ये सारी की सारी चीजें क्या है मेरे दोस्तों, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट कहां पर है, असम के अंदर है। अब रिफाइनरी से मुझे याद आया, अगर कोई पूछेगा गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी प्लांट कहां पर है, तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी प्लांट जो मिलेगा वो पंजाब के अंदर मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात, ये जो असम है आप लोगों का, यहां के सीएम सर्वनंदा सोनोवाल है, यहां के गवर्नर जगदीश मुखी है मेरे दोस्तों। आप लोगों को अगर असम के बारे में याद आएगा तो दोस्तों डिगबोई आपको सबसे पहले याद आएगा। सबसे पहले पूरे एशिया के अंदर जो तेल का कुआं खोदा गया था वो डिगबोई में खोदा गया था। दोस्तों तेलंगाना की बात करेंगे तो 2 जून 2014 को फॉर्म हुआ था और केसीआर मेरे दोस्तों केसीआर राव इसके क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तेलंगाना की जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी है, उनका नाम बता दो। नहीं पता तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, नो नहीं पता मैं बताऊंगा, ठीक है चलिएगा। दोस्तों केरल, केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद, क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद। और दोस्तों बिहार, बिहार के गवर्नर का नाम है फागू चौहान। एक गवर्नर जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। हीमा कोहली, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हीमा कोहली जो है वो तेलंगाना की पहली महिला क्या है, चीफ जज है। अच्छा कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि सर जी जो हमारा हाई कोर्ट होते हैं भारत में, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, सर भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है, आंसर कर देंगे। हाई कोर्ट के चीफ जज की सैलरी कितनी होती है और हाई कोर्ट के चीफ जज को अपॉइंट कौन करता है, ये दो बातें बतानी है। चलो ये मैं मिटा देता हूं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन लिख देता हूं। ये है मेरे दोस्तों हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जज, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट कौन करता है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जज की सैलरी कितनी होती है, दूसरा क्वेश्चन, और हाई कोर्ट के चीफ जज को शपथ कौन दिलाता है, तीसरा क्वेश्चन है। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, आंसर कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लगा 2,50,000 रुपए, कितना है 2,50,000 रुपए, जीरो कम ज्यादा होंगे लगा लेना। दोस्तों अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका, इनकी नियुक्ति कौन करता है, आंसर करिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति होती है दोस्तों किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो शपथ कौन दिलाता है इनको, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाने वाले हैं मेरे दोस्तों गवर्नर अर्थात राज्यपाल। 3 क्वेश्चन 3 नंबर पक्के यहां से बन जाएंगे, अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चन है। क्लियर हो रही है मेरी बात, चलिएगा, समझ गए। यहां से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले थे आप लोग, बचा लिया। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पे ये सारी चीजें हो चुकी हैं। दोस्तों क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पेपर में, देखो क्या होता है, आप गलत नहीं करना चाहते लेकिन गलत हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे होता है प्रेशर, तो वो गलती पेपर में ना हो करके मैं यहीं पर करवा दूंगा आपसे, ताकि पेपर में वो गलती ना हो। तो एक एक बात को, अगर क्वेश्चन आसान भी है तो उसको समझना है आप लोगों ने क्या होगा। दोस्तों 3 चीजें बनेंगी आप लोगों की, देखो क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क ये कहां पर है, तो ये आप लोगों को मेरे दोस्तों मिलेगा त्रिपुरा के अंदर, कहां पे मिलेगा, त्रिपुरा के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर वो ये पूछ लेता कि जो आप लोगों का क्लाउडेड, ध्यान से समझना है, क्लाउडेड लियोपार्ड आप लोगों का जो होता है तेंदुआ मेरे दोस्तों, उसका कंजर्वेशन सेंटर कहां पर है मेरे दोस्तों, उसका संरक्षण केंद्र कहां पर है, जो क्लाउडेड लियोपार्ड आपका है, जो हमारा तेंदुआ है मेरे दोस्तों, हिम तेंदुआ है, उसका संरक्षण केंद्र कहां पर है, तो उसका संरक्षण केंद्र है यूके। तो ये सेम गलती कई बार हो जाती है। दूसरी चीज सुनेंगे अब यहां पर मेरे दोस्तों, अगर कोई आपसे ये पूछने लगा कि जो स्नो लियोपार्ड के लिए कौन सा नेशनल पार्क आप लोगों का फेमस है, स्नो लियोपार्ड हिम तेंदुए के लिए, तो हिम तेंदुए के लिए मेरे दोस्तों
हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख के अंदर है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर हो रही है बातें, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद दोस्तों विश्व का, अब देखो दो क्वेश्चन फिर से बताऊंगा आप लोगों को, विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क तो ये कौन सा है, केबुल लामजाऊ। कौन सा है, केबुल लामजाऊ, जिसके अंदर आप लोगों का क्या मिलता है, डांसिंग डियर देखने को मिलता है। लेकिन अगर वो ये पूछने लगे कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहां पर बनने जा रहा है, तो विश्व का तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर पार्क, सौर ऊर्जा पार्क मेरे दोस्तों, कहां पे बनने जा रहा है? सर वो बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में, और 2023 तक बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात आप लोगों को? चलिएगा दोस्तों यहां पर आ जाता है मेघालय। तो अगर कोई पूछेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी भारत का सबसे बड़ा जो आर्क ब्रिज है मेरे दोस्तों, आर्क ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल है मेरे दोस्तों, आर्क ब्रिज का मतलब इस वाली शेप में है, ये कहां पर है? तो सर जी ये मेघालय के अंदर है, याद रखेंगे। और एक मिनट में सारे नेशनल पार्क को रिपीट कर देता हूं। मणिपुर केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क है दोस्तों, त्रिपुरा क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है, असम के अंदर काजीरंगा मानस और आप लोगों का नामेरी है, देहिंग पटकई है मेरे दोस्तों, साथ में मिलेगा डिब्रूगढ़ सेखोवा मिलेगा, और दोस्तों राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क मिलेगा। ये हो गया असम। मेघालय के अंदर नोकरेक नेशनल पार्क मिलेगा और बाल फकरम नेशनल पार्क मिलेगा। ये कहां के हैं? मेघालय के नेशनल पार्क हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे सारी चीजें। एक एक चीज क्लियर हो गई है? तो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, जल्दी जल्दी में प्रेशर बनता है आपके ऊपर, उसको खत्म करना है। समझ लीजिएगा पेपर दे रहे हो बस अपना, ठीक है? पूरा मेरे दोस्त शांति में एक साइड होकर के बैठ जाया करो जब ये क्लास आए करें आप लोगों की, और अपने आप को जज किया करो कितनी नई चीजें सीखी, कितना रिविजन किया और कितनी चीजें आप लोगों को रिकॉल हो गई है। ओके चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान से समझेंगे। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? दोस्तों बात किसकी हो रही है? अप्रत्यक्ष कर की हो रही है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, दो तरह के टैक्स बताए थे आप लोगों को। जब भी हम टैक्स को करते हैं मेरे दोस्तों, तो हम दो तरह के टैक्स लगाते हैं। एक लगाते हैं सर जी डायरेक्ट टैक्स मेरे दोस्तों, और एक लगाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सुनिएगा कौन सा होता है, टैक्स की पहचान करना आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको पहचान करवाऊंगा कौन सा टैक्स कौन सा होता है। तो जो टैक्स आपकी पॉकेट से पैसा निकला, ठीक है, जो टैक्स आपकी पॉकेट से पैसा निकला, पैसा निकल करके सीधे गवर्नमेंट की जेब में जाकर के गिरा, सीधा निर्मला सीतारमण जी की झोली में जाकर के गिरा, तो वो क्या पहुंचा गवर्नमेंट के पास में? वो सर जी डायरेक्ट पहुंचा। तो ऐसे टैक्स को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जिसको क्या है, जैसे इनकम टैक्स मेरे दोस्तों, आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स लगेगा। आपकी पॉकेट से निकला, निर्मला सीतारमण की झोली में जाके गिर गया, काम खत्म। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स मेरे दोस्तों जो गवर्नमेंट के पास में डायरेक्टली नहीं पहुंचते हैं, जैसे आप लोगों का अपना प्यारा जीएसटी मेरे दोस्तों। जीएसटी आप लोग जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तो आप जीएसटी पे करोगे 18%। तो आपने किसको पे किया? अनअकैडमी को। लेकिन ये जो 18% जीएसटी है, ये जाएगा किसके पास? सरकार के पास। तो सरकार के पास इनडायरेक्टली होके पहुंचा, तो ये मेरे दोस्तों क्या है? जीएसटी है। आगे क्वेश्चंस दूंगा, उसमें आएंगे, बताओ ये टैक्स कौन सा है, बताओ ये टैक्स कौन सा है। तो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। तो एम अजीत कुमार जो हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के मेरे दोस्तों क्या हैं? हेड हैं। अगर पीसी मोदी का नाम पूछते तो दोस्तों क्या होते? डायरेक्ट टैक्स होते। और अगर अजय त्यागी का नाम पूछते तो सेबी, जो 1992 में बना था नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, मार्क कर लेंगे। और दोस्तों मिशेल पात्रा, मिशेल पात्रा या माइकल पात्रा कौन है? आरबीआई के गवर्नर
गवर्नर जो है, तो चार डिप्टी गवर्नर में से एक कौन है? मिशेल पात्रा है। एक कौन है मेरे दोस्तों? बीपी कानून गो है। मेरे दोस्तों कौन है? बीपी कानून गो मिशेल पात्रा है हमारे दोस्तों। एक कौन से हैं? एक हमारे मेरे दोस्तों राजेश्वर है, और एक कौन से हैं मेरे दोस्तों? हमारे महेश जैन साहब हैं। ओके, तो चारों डिप्टी गवर्नर आपके सामने आ चुके हैं। क्लियर हो गया है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। टैक्स आपको समझ में आया होगा, किसी दिन को जब टैक्सेशन लाऊंगा तो धीरे धीरे सारा पढ़ा दूंगा, क्लियर है। उसके बाद आपके बात करेंगे मेरे दोस्तों, क्या नाम है, किसने नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में देशभक्ति गीत वतन जारी किया। मैंने कहा था एक दिन पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप लोगों का एग्जाम हुआ था मेरे दोस्तों, ठीक है। कौन सा एग्जाम था सुन लीजिएगा, LIC का एग्जाम था, और LIC का प्रमोशनल एग्जाम था। कौन सा एग्जाम था? प्रमोशनल एग्जाम था। तो वहां पर ये पूछा गया था दोस्तों, वतन सॉन्ग को किसने गाया था, वतन सॉन्ग को किसने रिलीज किया था? तो आंसर आ जाएगा जावेद अली साहब ने। किसने दोस्तों? जावेद अली ने। और दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर ने इसको रिलीज किया था। रिलीज क्यों किया था? क्योंकि यही हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं दोस्तों। पिछले साल जब SSC का पेपर हुआ था तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रकाश जावड़ेकर ने वतन सॉन्ग को रिलीज किया है, प्रकाश जावड़ेकर का निम्न में से मंत्रालय कौन सा है? तो दोस्तों इनके पास इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सूचना एवं प्रसारण है, याद रखेंगे दोस्तों। इनके पास एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, और हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस जो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं तो 18 दिसंबर को हम इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे भी मनाते हैं 18 दिसंबर को। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया गया केंद्रीय राज्य माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय राज्य माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, केंद्रीय राज्य अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो आंसर लगा देना किरण रिजिजू साहब। कौन है? किरण रिजिजू साहब। दोस्तों महेंद्रनाथ पांडे जो कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, कौशल विकास मंत्री हैं, कौन? महेंद्रनाथ पांडे। और दोस्तों अरविंद गणपत सावंत, ये शिवसेना से बिलोंग करते थे, इन्होंने रिजाइन दिया था। किससे मेरे दोस्तों? पब्लिक एंटरप्राइजेस वाले, जो हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेस वाला मंत्रालय था उससे रिजाइन दिया था मेरे दोस्तों। किसने? अरविंद गणपत सावंत ने, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पार कर लीजिएगा। पूरे इस क्लास के बाद डेफिनेटली 30 से ज्यादा आप लोग करके आओगे, 40 तक भी पहुंच सकते हो, सुबह वाली क्लास इंक्लूड कर दोगे तो ध्यान रखिएगा, लेकिन 30 से प्लस आपके डेफिनेटली हैं, मतलब उनको कोई काट नहीं सकता। उसके बाद आपकी जितनी मेहनत है उसको कर दोगे, और जितने 30 से प्लस कर लिए ना दोस्त, जिससे 40 तक पहुंच जाएगा, 36, 37, 38 अभी भी स्टूडेंट करके आ रहे हैं, ठीक है। देखो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैं दो बातें बोलूंगा। मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो 38, 38 करके आ रहे हैं, और मेरे ही स्टूडेंट हैं जो 12, 13 भी करके आ रहे हैं। क्यों? अंतर क्या है? जिन्होंने पूरी तरह से फॉलो की हैं चीजों को, टाइम पे पढ़ी हैं सारी चीजें, तो दोस्तों 38, 39 तक जा रहे हैं वो, 36, 37 तक जा रहे हैं। और जिन्होंने चीजें फॉलो नहीं की, मौज मस्ती में रहे, 10 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, तो दोस्तों उनका कुछ नहीं हुआ, वो 12, 15 पे ही रहे हैं, यही आप लोगों के साथ वाले। तो आपकी मेहनत भी उतनी ही मायने रखती है जितनी की मेरी, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं वैसे ही कहने लगूं आप लोगों को, मैं वैसे ही कहने लगूं कि मेरे सारे स्टूडेंट 36, 37, 38 करके आ रहे हैं, नहीं, 12, 15 वाले भी हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं वो भी, लेकिन क्यों है? जब पढ़े ही नहीं है तो ध्यान रखेंगे इन सभी चीजों को, इस बात से आपको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे फटाफट से सारी की सारी चीजें, तो आपको भी कहीं ना कहीं उस चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस आपको गुट्टी कोई नहीं पिलाने वाला, ध्यान रखेंगे दोस्तों। किस राज्य सरकार ने साप्ताहिक स्पोकन अंग्रेजी कक्षाओं में भाग लेने के लिए सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक के छात्रों को अनिवार्य कर दिया? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश किसने अनिवार्य की है, तो इंग्लिश जो अनिवार्य करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो दो
दोस्तों ये आप लोगों का क्या है, तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। और इस बैच के अंदर जितनी भी ये करंट अफेयर मैं आपको करा रहा हूं ना, या स्टैटिक जीके करा रहा हूं या जीके करा रहा हूं, वो 2019 और 20 से रिलेटेड करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 21 वाली सुबह को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने साप्ताहिक स्पोकन के लिए, तमिलनाडु है। उत्तराखंड ने मेरे दोस्तों 3 से लेकर के 8वीं क्लास तक क्या किया है, संस्कृत मेरे दोस्तों, संस्कृत। और पूछने लगे वर्ल्ड संस्कृत डे कब आता है, तो लगा दीजिएगा 23 अगस्त, आप लोगों का कौन सा आता है, 3 अगस्त को आता है। कब आता है? 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नॉर्मली बात करूंगा आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल को क्या पूछा जाता है, 23 अप्रैल को पूछा जाता है मेरे दोस्तों इंग्लिश डे, वर्ल्ड इंग्लिश डे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दोस्तों केरल की बात करेंगे, तो ये जो केरल है, भारत में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी है वो किसकी है, केरल की है। और दोस्तों कर्नाटक की बात करेंगे, तो अवलोकन सॉफ्टवेयर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेंगे दोस्तों, विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो टेलीविजन के बारे में बता दीजिएगा। हां जी प्रीति जी, CDS के लिए फॉलो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। 24 मार्च को ट्यूबरोक्लोसिस डे मनाया जाता है। दोस्तों 13 फरवरी को अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, जो कि कल है, एक तो रेडियो डे होगा, कौन सा, रेडियो, और एक नेशनल वीमेन डे, जो हमारा नेशनल वुमेन डे है, वो भी हमारा सरोजिनी नायडू जी के बर्थडे पर 13 फरवरी। दोस्तों 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे, टीवी के लिए 2025 भारत में मेरे दोस्तों टीवी को मुक्त करना है, 2025 तक टीवी हारेगा देश जीतेगा। और 2030 में मेरे दोस्तों आप लोगों को क्या मिलेगा, 2030 के अंदर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, 2030 में वर्ल्ड लेवल पे टीवी को खत्म करना है। वो कौन सा राज्य है जिसने टीवी के लिए कैंपेन चलाया है कि टीवी के मरीजों को ढूंढा जाएगा पूरे राज्य के अंदर, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। इन सभी चीजों को याद रखना है, कोई डाउट है ध्यान से समझेंगे। तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बुध, आपको देखिएगा, बुध अंतरराष्ट्रीय सर्किट एक भारतीय मोटर रेसिंग सर्किट है, जो कि किस शहर में है दोस्तों? तो आप लोगों का जो बुध अंतरराष्ट्रीय सर्किट है, एक भारतीय मोटर रेसिंग सर्किट है, ग्रेटर नोएडा में, गुरुग्राम में, मुंबई में, या फिर बेंगलुरु में। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह बनेगा आप लोगों का क्या, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अब दो तीन चीजें पूछी जाएंगी, नोएडा कौन सी नदी के किनारे पर है? नोएडा मेरे दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर है, समझ गए। प्लास्टिक वेस्ट से बना सबसे बड़ा चरखा कहां पर है? नोएडा के अंदर है। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी कहां पर? नोएडा में। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, और गुरुग्राम से जो सांसद हैं, एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था, राव इंद्रजीत सिंह है, ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, मुंबई, मुंबई अरेबियन सी के किनारे पर है, काला घोड़ा फेस्टिवल है। और दोस्तों बेंगलुरु की हम बात करेंगे, तो कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और गार्डन सिटी भी हम इसको ही बोलते हैं। हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर है आप लोगों के, अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो यहां पर मिलेगा आप लोगों को क्या, अरविंद कुमार मिलेगा। जो क्लास आप लोगों की मंडे को होगी, तो मंडे की क्लास में आपको आर्टिकल ज्यादा देखने को मिलेंगे, फिर ट्यूसडे की क्लास में इकोनॉमिक्स ज्यादा देखने को मिलेगी, फिर थर्सडे वेडनेसडे की क्लास में आपको क्या मिलेगा, हिस्ट्री ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही मैं आप लोगों की चीजें जो है, हर क्लास में एक एक चीज की अधिकता कर रहा हूं, तो उससे आप लोगों की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अरविंद कुमार जो है वो मेरे दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, याद रखेंगे। दोस्तों अजीत डोभाल, अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? दत्ता पडलसीगर है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो हर क्लास में आपको क्या मिलेगी, मतलब किसी में आपको साइंस की अधिकता मिलेगी, किसी क्लास में इकोनॉमिक्स मिलेगा, किसी में बायोलॉजी ज्यादा मिलेगी, किसी में स्टैटिक ज्यादा मिलेगा, किसी में करंट ज्यादा मिलेगा। तो हम ओवरऑल
पेपर को बैलेंस करके चलेंगे जिसमें सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे, तो मिस मत करना किसी भी चीज को, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से दोस्तों। सुर सागर लेख कहां पर है? महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा सुर सागर लेख के बारे में, ठीक है। फटाफट से बता दीजिएगा सुर सागर लेख। ठीक है, चलिएगा बता दीजिएगा। तो सुर सागर लेख हमने कई बार पढ़ा था सुर सागर लेख के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा, देखिएगा यहां पर बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉर्मली, तो जब भी से सुर सागर आप लोगों को पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सुर सागर लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी गुजरात में। वाह मेरे वाह, क्या बात है दोस्तों। आप लोग भूल गए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर को भूल गए आप लोग, ठीक है, और इसको सुर सागर लगा दिया। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों को क्या बनेगा मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को जो है अगर हम बात करेंगे तो कंफ्यूजन होने से बचाना है। अगर सुर सरोवर पूछी जाती, ये सुर सागर लेक है, मैं वही कमेंट पढ़ रहा था ऊपर को जाकर के, तो मेरे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या है, आप लोगों ने गलती से उत्तर प्रदेश लगा दिया, पता था मुझे, ठीक है। तो दोस्तों सुर सागर लेक जो है वो आप लोगों का कहां पर है, गुजरात के अंदर है, याद रखेंगे। जैसे आप लोगों का मेरे दोस्तों सिक्का, सिक्का थर्मल पावर, सिक्का सोलर पावर प्लांट कहां पर है, गुजरात में है सर। अगर आपसे पूछा जाएगा बिट्टा कहां पर है, तो सर जी बिट्टा भी वहीं पर है। आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों गिर नेशनल पार्क कहां पर है, यह भी वहीं पर है। और आपसे पूछा जाएगा वंसदा, कौन सा दोस्तों, वंसदा नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। आपसे पूछा जाएगा एकता न्यूट्रिशन मॉल, ये भी वहीं पर है दोस्तों। टॉय म्यूजियम भी वहीं पर है। इन सभी चीजों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र में जैतापुर थर्मल पावर स्टेशन है, कौन सा, जैतापुर, कौन सा है, जैतापुर है। और दोस्तों तारापुर, ये दोनों हमारे महाराष्ट्र के अंदर है। और आपसे पूछेंगे भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, जो कि बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों वेस्ट बंगाल की जब भी बात करेंगे, सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत में कहां पर है, तो सबसे बड़ा जो सोलर ट्री है वो वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, ये मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, ये भी हमें उत्तर प्रदेश में मिलेगा। नवीन रोजगार छतरी योजना एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए उत्तर प्रदेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है 9400 मेरे दोस्तों, तैयार रहिएगा उसके लिए भी। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, आंसर कर दीजिएगा फटाफट से, जल्दी से बता दीजिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मेरे दोस्तों, या फिर बात करेंगे भारतीय विद्या भवन ने, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने, या साहित्य अकादमी ने? आंसर कर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। चलिएगा ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, एक बार थम्स अप दिखा दो और लाइक वाले लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, देखिएगा अगर कोई पूछेगा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने, अच्छा उधर दिख रहा है आपको, तभी मेरे को सबका सी कैसे आ रहा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। दोस्तों ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश में किसको मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश में मेरे दोस्तों किसको मिला है, अमिताभ घोष को मिला है, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, इंग्लिश के लिए शशि थरूर को मिला था। शारदा एक्ट किससे रिलेट करता है, आंसर कर दीजिएगा, शारदा एक्ट किससे रिलेट करता है, जल्दी करेंगे फटाफट से, शारदा एक्ट किससे रिलेट करता है, भारतीय साहित्य से, भारतीय विवाह व्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, या भारतीय प्रशासन से? तो दोस्तों जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा इंडियन मैरिज अरेंजमेंट से, भारतीय विवाह व्यवस्था से, जिसमें मेरे दोस्तों पुरुषों की एज को 21 साल किया गया था
और महिलाओं की एज को जो शादी की एज है 18 किया गया था, अभी ये बात फिर से जोर पकड़ रही है जिसमें महिलाओं की एज को भी वो 21 या 20 साल करने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, रणकपुर मंदिर मेरे दोस्तों कहां पर लोकेटेड है, जो ये रणकपुर टेम्पल है आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो रणकपुर टेम्पल के बारे में जल्दी से बता दीजिएगा, फटाफट आंसर करिएगा, 10 सेकंड आप लोगों के पास हैं, रणकपुर टेम्पल आप लोगों का कहां पर है, ठीक है, जल्दी से विशाल सैनी आंसर करिएगा, रणकपुर टेम्पल कहां पर है, पूरा का पूरा हिंट मैंने आपको दे दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों रणकपुर टेम्पल पूछा जाएगा तो आप लोग क्या लगा दोगे, राजस्थान लगा दोगे, अगर वो आपसे झारखंड मेरे दोस्तों जाते हैं तो ध्यान से समझना, इस बार का सबसे प्रबल क्वेश्चन है श्रावणी मेला, कौन सा है दोस्तों, श्रावणी मेला, जो आप लोगों का श्रावणी मेला है वो सबसे प्रबल क्वेश्चन है जो कि झारखंड मेरे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, अगर आपसे पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश के बारे में तो हिमाचल प्रदेश क्या होगा मेरे दोस्तों, आपसे जब भी पूछेंगे एक फेस्टिवल है, इस बार डेफिनेटली पेपर में बनेगा गोची फेस्टिवल, ठीक है याद रखेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला, कौन सा, भगोरिया मेला, तो जो भगोरिया मेला है वो आप लोगों का मध्य प्रदेश का बड़ा इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलेंगे फटाफट से, किस खेल ने प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रदान किया जाता है, तो गोल्डन बॉल अवार्ड मेरे दोस्तों कौन से स्पोर्ट्स में दिया जाता है, स्पोर्ट्स का बनेंगे फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा, हां जी कुफरी शिमला ये सब, फगली भी बिल्कुल वहीं का है, जल्दी से कर देंगे फटाफट से, ठीक है, चूली ओयल भी वहीं का है, शानदार, सभी लोग आंसर नहीं कर रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा, तो देखिएगा यहां पर कुछ लोगों का कैसे गलत हुआ है दोस्तों, जो लोग डी ऑप्शन बता रहे थे, तो अगर आपसे गोल्डन बॉल अवार्ड तो सिंपल आप लोगों का फुटबॉल में चला जाएगा, एक बात समझेंगे, जब भी फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल को कौन करता है, फीफा करता है, सर फीफा के हेड कौन है, मेरे दोस्तों फीफा के हेड हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो, और दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा कतर के अंदर और 2026 कनाडा, मेक्सिको और यूएसए के अंदर होगा, और जबकि 2018 आप लोगों का रसिया में हुआ था। दोस्तों क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में एक अवार्ड अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, क्रिकेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड, जो कि इस बार ऋषभ पंत को दिया गया है। दोस्तों हॉकी की बात करेंगे तो भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां बन रहा है, दोस्तों राउरकेला में बन रहा है उड़ीसा के अंदर। बात करेंगे टेनिस की, टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो सर जी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस से बिलोंग करता है, यूएस ओपन यूएसए से बिलोंग करता है, विमल्डन ओपन यूके से बिलोंग करता है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है चलिएगा। बेटन कप निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, तो जल्दी से बताएंगे, विंगटन कप एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है या वॉलीबॉल है, आंसर कर देंगे जल्दी से विंगटन कप के बारे में, ठीक है। हां जी संत पहले हैं अभी, मतलब जो पंत पहले हैं, मतलब पंत से पहले किसी को नहीं मिला है ये अवार्ड, याद रखेंगे चलिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, देखो ध्यान से समझेंगे फटाफट से, क्या है आप लोगों का, बहुत बढ़िया शानदार, यहां पर मोस्टली लोगों का क्रिकेट वाले, दूर हट जाइएगा दोस्तों हॉकी से, जो विंगटन कप है हमारा वो हॉकी से बिलोंग करता है। आपको मैं बता दूं, ध्यान से समझेंगे, ऐसा पहली बार हुआ है जब क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी नहीं हुई है। सर रणजी ट्रॉफी किस वर्ष शुरू की गई थी, तो रणजी ट्रॉफी 1934-35 में शुरू की गई थी, याद रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। हॉकी की हमारा आंसर आ गया, विंगटन कप हॉकी से है दोस्तों। फुटबॉल से याद रखेंगे, मॉरिसस, मॉरिसस का नेशनल गेम क्या है, फुटबॉल है। और दोस्तों वॉलीबॉल की बात करेंगे तो जो हमारा नेपाल है उसका डांडी बियो का मतलब है गिल्ली डंडा, और गिल्ली डंडा के साथ में आप लोगों का वॉलीबॉल भी उसका नेशनल गेम है, याद रखेंगे, इस बार के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वॉलीबॉल का। दोस्तों कोट्टयम सिटी इन केरला इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, केरल में जो कोट्टयम शहर किस नदी के किनारे है, अलकनंदा, ताप्ती, ब्राह्मणी या मीनाचिल, सबसे आसान क्वेश्चन है बता दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे फटाफट से,
ठीक है, आंसर आप लोग नहीं कर रहे हो यार, आंसर तो कम से कम करते रहिएगा, कमेंट जो है आप लोगों के फुदकते रहने चाहिए कमेंट, लेकिन कमेंट फुदकते नहीं रहे हैं, ठीक है चलिएगा। हां जी ऐसा पहली बार देखा है 70-80 सालों में, बहुत बढ़िया शानदार, सभी का जो है आंसर यहां पे ठीक आया है। मीनाचिल नदी मेरे दोस्तों, कौन सी नदी है? मीनाचिल नदी है दोस्तों, अलकनंदा रिवर, ठीक है, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड, आप लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ताप्ती रिवर जो कि ताप्ती सूरत मेरे दोस्तों जिसके किनारे बसा हुआ है, और ब्राह्मणी रिवर के किनारे पर बसा है राउरकेला। पूछा जाएगा राउरकेला, हमारे जो ब्राह्मण देवता है वो क्या कहते हैं भाई, केले पर जो जल चढ़ाओ तो राहु दूर हो जाएगा, तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी, सूरत मेरे दोस्तों ताप्ती, और मीनाचिल जो हो जाएगा कोट्टयम हो जाएगा, और कोट्टयम कहां पर? केरल के अंदर है, याद रख लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? संविधान के क्वेश्चन आ गए हैं बिल्कुल दोयम दर्जे के, बिल्कुल लो लेवल वाले क्वेश्चन संविधान के डालने शुरू कर दिए हैं, लेवल बढ़ता चला जाएगा हर टेस्ट के अंदर ही आप लोगों का। तो मिनी संविधान किसको कहा जाता है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन मेरे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 आप लोगों का आंसर बन जाएगा। और ध्यान रखिएगा अब आने वाले क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन से कम 50 क्वेश्चन आपके आने वाले सेशंस के अंदर बनेंगे कि भैया इसके अंदर क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों फटाफट से, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन के निष्कासन के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था? तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन के निष्कासन के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था? इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि यह क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले लिख लीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों का जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गलत कर गए मेरे दोस्तों, दादा की भावनाओं में बह गए आप लोग, ठीक है दोस्तों। रमेश चंद्र गुप्ता ने लिखा था, अगर कोई पूछेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी को कहा जाता है। साथ में पूछेंगे सबसे पहले नेशनल इनकम की गणना किसने की थी, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नरोजी ने की थी, यह चीज याद रखेंगे। तो धन के निष्कासन के बारे में सबसे पहले लिखा था रमेश चंद्र गुप्ता ने, और दादा भाई नरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और मेरे दोस्तों नेशनल इनकम, आने वाले सेशन में नेशनल इनकम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गंभीरा नृत्य कि भारत किस भारतीय राज्य से है, जल्दी से बता देंगे, गंभीरा जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब है मेरे दोस्तों, किसकी किताब है बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। हां जी जल्दी से बताएं फटाफट से, 21वां क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, लाइक वाइक कर दो एक बार, मजा सा आ जाएगा फटाफट से, ठीक है चलिएगा। ओके बहुत बढ़िया शानदार, चलिएगा बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गौतम गंभीर हैं वो कौन सी टीम से खेलते थे? सर कोलकाता नाइट राइडर से, इसीलिए पश्चिम बंगाल, गंभीरा मेरे दोस्तों। अब सुनिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछने लगे कि भैया बंगाल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप लोग बता देंगे आशुतोष मुखर्जी को। बंगाल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है मेरे दोस्तों? आशुतोष मुखर्जी को। आपसे पूछा जाएगा आंध्रा केसरी से किसको जाना जाता है, आंध्रा केसरी, तो मेरे दोस्तों टी प्रकाशम को आंध्रा केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और साथ में मैं आपको बता दूं तो भैया बिहार केसरी से के नाम से किसको जाना जाता है, श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां पर हमारे सामने आ जाएगा मिजोरम, क्योंकि मिजोरम अभी हमने नहीं पढ़ा है, मिजोरम को लेकर के मैं बात करूंगा। मुरलेन नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क है? मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम का नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। एक किताब है ओ मिजोरम, ठीक है, तो ओ मिजोरम के राइटर है पी एस श्रीधरन पिल्लई, जो कि मिजोरम के गवर्नर है, आंसर कर
लेंगे फटाफट से। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है, आंसर कर देंगे फटाफट से दोस्तों, जल्दी से बताएंगे फटाफट से अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तब तक मैं आपको बात बताता हूं दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी, और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कौन है, तो अपने किरण रिजिजू साहब। 18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे भी मनाया जाता है दोस्तों, जल्दी से बता देंगे आर्टिकल नंबर क्या कहलाता है, आर्टिकल नंबर 29 29 29, ये अल्पसंख्यक मामलों के मेरे दोस्तों क्या है, मामलों के जो आप लोगों का क्या है संभालता है, कैसे, तो ये दोनों कौन कौन, मुख्तार अब्बास नकवी और किरण रिजिजू, ये दोनों मिलकर के मेरे दोस्तों क्या कर देंगे, हमारा दोनों आर्टिकल, दोनों और आर्टिकल दोनों मिलकर के क्या बनता है मेरे दोस्तों, 9 × 18, तो ये 18 दिसंबर, ओके दिसंबर याद रखना है, याद रख लेना, तो ये दोनों 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 से 18 बन गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, याद रखेंगे बिल्कुल। आर्टिकल याद नहीं होता, सौरभ सिन्हा इस बात से सेटिस्फाई हो कि आज मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल याद करा दिया, आर्टिकल 29 याद हो गया, अगर आर्टिकल 29 याद हो गया कह दो हां तो बस सारे होते जाएंगे, आर्टिकल की भीड़ नहीं लेकर के आऊंगा, रोज दो तीन आर्टिकल बताऊंगा, उनको पढ़ते चले जाना, यूपीएसआई में भी काम आएंगे, बाकी पेपरों में भी काम आएंगे, बस आर्टिकल आज का दोनों वाला याद रख लो, ठीक है चलिएगा। उसके बाद है अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली समझेंगे दोस्तों, तिरुचिरापल्ली कहां पर है, बहुत बढ़िया, तो बस आज का याद हो गया ना, तो आज तक देखो, आज पेट भर गया, काम खत्म, कल का कल देखेंगे, फिर बताना याद होता है कि नहीं होता है दोस्तों। तमिलनाडु, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हमारा तमिलनाडु में है। एक क्वेश्चन छोटा सा नोट कर लेंगे, भारत का पहला वेटलैंड, वेटलैंड क्या है मेरे दोस्तों, आद्र भूमि संरक्षण केंद्र, ये हमारा चेन्नई में बनाया गया है, कहां पर दोस्तों, चेन्नई में बनाया गया है दोस्तों। सबसे ज्यादा मछली का जो उत्पादन होता है भारत के अंदर वो तमिलनाडु में होता है। बात करेंगे दोस्तों केरल की, तो केरल का जो मरयूर गुड़ है आप लोगों का, कौन सा मरयूर गुड़, ये यहां का जीआई टैग है दोस्तों। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो हमारे गवर्नर हैं वो है बाजू भाई बाला। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में मैंने अभी अभी बताया था, आंध्र अंधेरा, अंधेरा मतलब प्रकाश, तो इसलिए टी प्रकाशम आंध्रा केसरी के नाम से जाने जाते हैं, मार्क कर लेंगे। जंप बॉल इज टर्म रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो जंप बॉल किस खेल से संबंधित है, ठीक है, आज स्पोर्ट्स के बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज मैंने स्पोर्ट्स के पढ़ने को भारी रखा था थोड़ा सा, ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे फटाफट से जंप बॉल कहां पे मिलेगी, हॉकी में मिलेगी, बास्केटबॉल में मिलेगी, पोलो में मिलेगी या गोल्फ में मिलेगी, आंसर कर दीजिएगा फटाफट से, बहुत बढ़िया। इंदिरा में कितने वाट लान है, अच्छा वेटलैंड होता है दोस्त, वो मेरे वो 42 है मेरे दोस्त, याद रखेंगे, ठीक है चलिएगा। तो दोस्तों जंप बॉल सभी लोग बिल्कुल सीधा सा आंसर लगा सकते थे, ये दोस्तों बास्केटबॉल, ठीक है जंप बॉल बास्केटबॉल। सर बास्केटबॉल कहां का नेशनल गेम है, तो बास्केट में रखते हो धनिया, इसलिए हमने बना दिया लिथुनिया, कहां का मेरे दोस्तों, लिथुनिया, तो लिथुनिया का नेशनल गेम क्या है दोस्तों, अगर हम बोलेंगे बास्केटबॉल है, ओके। हॉकी मेरे दोस्तों पाकिस्तान का नेशनल गेम है, याद रखेंगे, और हॉकी के जादूगर, अच्छा एक बात बताएंगे, हॉकी में पहली बार किस महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, तो हॉकी में मेरे दोस्तों धनराज पिल्लई को राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, धनराज पिल्लई के बाद सरदारा सिंह को मिला था, और अब रानी रामपाल को मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। तो रानी रामपाल इकलौती महिला खिलाड़ी है जिनको हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, और राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। पोलो जो है वो हंगरी का नेशनल गेम है, वाटर पोलो, और यहां की एक ट्रॉफी आप लोगों के लिए फेमस हो जाएगी,
एजरा, तो एजरा वाटर पोलो, एजरा वाटर पोलो, हंगरी होंगे आप तो एजरा, एजरा यहां की ट्रॉफी है। और दोस्तों गोल्फ की ट्रॉफी है आप लोगों की, वॉकर ट्रॉफी इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा, चलिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिएगा। मेरे दोस्त रमाकांत प्रमुख जी, ठीक है, रमाकांत प्रमुख जी, जितना ध्यान आप ये सब कमेंट लिखने में लगा रहे हो ना कि सर जी एनटीपीसी को ध्यान में रख करके कराइएगा, मेरे भाई मैं किसको ध्यान में रख करके करा रहा हूं, आपको पढ़ना आता होगा ना, पढ़ना तो आता होगा, एक इसके बाहर ना थंबनेल लिखा हुआ है, एक इसको मेरे दोस्त यहां पे पढ़ लो, ठीक है, अगर पढ़ना आता होगा तो यहां पे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ, सेशन को शुरू से अटेंड करो, बीच में आके टांग मत अड़ाओ, सर एनटीपीसी को ध्यान में रख करके, मेरे दोस्त एनटीपीसी को ध्यान में क्या, तन मन धन तीनों में रख रखा है, तभी सेशन को लेकर के आया हूं और तभी ये सेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हद करते हैं मतलब, ठीक है, चलिएगा, आगे चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, मतलब कुछ होते हैं सुनना जरूरी होता है उनको, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, अपना ही परिवार है, सुनते रहने भी चाहिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक दोस्तों, कुताघाट डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो कुताघाट जो बांध है वो किस राज्य में है मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो, आपका क्वेश्चन है कुताघाट, ठीक है, चलिएगा, कुताघाट, ठीक है, चलिएगा, फर्स्ट वीडियो भी देख, बस फिर रमाकांत यार मेरे दोस्त आपको तो इतनी बात बोलने की फिर जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, सही आंसर आ रहा है, मतलब सही ट्रैक पर हो दोस्तों, याद रखेंगे कुताघाट, उसने मार मार के, मार मार के इतने 36 मारे कि मेरे दोस्तों क्या बना दिया, कुता बना दिया, याद रखिएगा, ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, जहां पे आप लोगों को मिलता है मेरे दोस्तों क्या, भोरम देव का टेम्पल मिलता है, याद रखेंगे। उड़ीसा की मेरे दोस्तों बात कर लेंगे, तो ये जो उड़ीसा है आप लोगों का, यहां पर एक फेस्टिवल है जो पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूं, धनु जात्रा, अब तो याद हो गया होगा ना, धनु जात्रा। और दोस्तों जो झारखंड है, झारखंड में आप लोगों को पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूं, श्रावणी मेला, अब तो याद हो गया होगा, चलिएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और हमारा जो ओमकारेश्वर, ये दोनों के दोनों टेंपल कहां पे हैं, दोनों के दोनों ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो कि तैरता हुआ होगा 2023 तक मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलिएगा फटाफट से आंसर करेंगे अब क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आगे फिर क्लास शुरू हो जाएगी, 10 बज गए हैं। चलो, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहां पर है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहां पर है, आंसर कर देंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर मध्य प्रदेश आप लोगों का आंसर था, बिल्कुल मेरे दोस्तों, चलिएगा, ठीक है। तो कुशेश्वर कहां पर था आप लोगों का दोस्तों, ये मिलेगा कहां पर, बिहार में, याद रखेंगे। कुशेश्वर स्थान वर्ड अभ्यारण इंपोर्टेंट है, मार्क कर लेंगे, डेफिनेटली पेपर का पार्ट बनेगा। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्या, अरूप शहर, अरूप शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंदर है, सरिस्का मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर है, और मुकुरथी तमिलनाडु के अंदर है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा मेरे दोस्तों, नाइगिन लेक कहां पर स्थित है, नाइगिन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा। नाइगिन लेक दोस्तों, नाइगिन लेक जो है जम्मू कश्मीर में है, कहां पर है, नाइगिन लेक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नाइगिन मतलब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इतने हैं कि गिन मत मारता रहे, नाइगिन नाइगिन नाइगिन, ठीक है, चलिएगा। तो नाइगिन लेक कहां पर है, जम्मू कश्मीर है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा बुलर लेक कहां पर है, जम्मू कश्मीर। डल लेक कहां पर है, जम्मू कश्मीर। सुरीसर मानेसर कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है आप लोगों का। होकेरा वेटलैंड कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। डेचिंगम नेशनल पार्क कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। तुलिप गार्डन कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। राउफ डांस कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। मेरा वेतन एक मोबाइल ऐप है कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। सुकून मेरे नाम का एक कैंपेन चला था वो भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। मिशन रीच आउट कहां है, वो भी जम्मू कश्मीर में है। धारा 370 कहां से हटाई गई, जम्मू कश्मीर से। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी यूटी कौन सी है, वो भी जम्मू कश्मीर है मेरे दोस्तों। वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम भी मनोज सिन्हा है मेरे दोस्तों, और पंकज मिठल जो है वो वहां के अभी चीफ जस्टिस बने हैं। ये सब जम्मू कश्मीर का था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नईपर म्यूजियम कहां पे है, थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी से बता देंगे। नईपर म्यूजियम कहां पर है, नईपर म्यूजियम
जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों। थोड़ी देर पहले पढ़ाया था केरल में है नईपर म्यूजियम, याद रखेंगे ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। दिल्ली में रेल म्यूजियम है और रेल म्यूजियम अब आपका कर्नाटक में भी है, दोनों चीजें याद रखेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, ई रक्षाबंधन को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, उस प्रथम देश का नाम बताए जिसने अपने लिखित संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था। तो जल्दी से बता देंगे, उस पहले देश का नाम बताओ जिसने लिखित संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का क्या जाएगा, अमेरिका। हमने प्रस्तावना वाला कॉन्सेप्ट अमेरिका से ही लिया था, याद रखेंगे ठीक है, क्योंकि भारत मत लगाना, क्योंकि भारत ने तो संविधान की चीजें ली थी दूसरों से, तो भारत पहला कैसे हो जाएगा। भारत ने संविधान की चीजें दूसरों से ली थी तो भारत पहला कैसे, बताइएगा जल्दी से। तो आंसर बन जाएगा दोस्तों अमेरिका, याद रखेंगे मेरे दोस्तों। वॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बता देंगे फटाफट से। वॉल पॉइंट पेन का आविष्कार, ठीक है, वॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था, जल्दी बता दीजिएगा फटाफट से। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ये बीरो ब्रदर्स बनेगा। वॉल पॉइंट पेन पूछ रहा है, फाउंटेन नहीं पूछ रहा, कभी आंसर आप लोग सी या बी लगा दो दोस्तों। बीरो ब्रदर्स ने, तो बीरो ब्रदर्स ने वॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था दोस्तों। त्रिपटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, त्रिपटक इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। त्रिपटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, जल्दी से। लाइक 300 के पार हो जाने चाहिए थे, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है ठीक है, चलिएगा। तो मेरे दोस्तों जो बुद्धिस्ट हमारा धर्म था उसकी मेरे दोस्तों त्रिपटक जो है उसकी होली बुक्स हैं, उसकी पवित्र पुस्तकें हैं। बोध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है सर, बोध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आप लोगों की, अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से तो वो हमारी मेरे दोस्तों हमारी कहां पर, बिहार के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बीसी राय पुरस्कार जल्दी बता दें, बीसी राय पुरस्कार फटाफट बता दीजिएगा, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर करना था सभी ने मेडिसिन दवा के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार किस में है सर जी, वो भी मेडिसिन है। जर्नलिज्म में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों। म्यूजिक में दिया है आ तुझे में ग्रैमे दिला दू, ये श्री श्री 1008 हनी सिंह का गाया हुआ है, तो ग्रैमे दिया जाता है म्यूजिक में मेरे दोस्तों। तानसेन किस में दिया जाता है, म्यूजिक में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इंग्लिश पोएट्री के जनक कौन कहलाते हैं मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा। इंग्लिश पोएट्री के जनक कौन कहलाते हैं, तो इंग्लिश पोएट्री के जनक कौन कहलाते हैं, सभी को पता है मेरे दोस्तों कौन, चौसर चौसर चौसर, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे फटाफट से, मोजर वियर सोलर पावर प्लांट कहां पर है, भाई कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा। मोजर वियर सोलर पावर प्लांट, ठीक है, तो जो मोजर पियर सोलर पावर प्लांट है दोस्तों, ये आप लोगों का मिलेगा गुजरात में सिक्का भिट्टा के साथ में, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारदोचैम कहां का डांस है, भाई सबको पता है बारदोचैम, जल्दी से बताएं बारदोचैम कहां का है, ठीक है, तो बारदोचैम डांस कहां का है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर आप लोग का अरुणाचल या तमिलनाडु, सभी को मालूम है अरुणाचल प्रदेश का बारदोचैम है, कौन है बारदोचैम। कुम्मी होता मेरे दोस्तों, कुम्मी तो कहां का होता, तमिलनाडु का होता। लक्षद्वीप का क्या होता, लावा होता, लक्षद्वीप का क्या होता, लावा होता दोस्तों। केदारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन उत्तराखंड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो केदारनाथ मंदिर है हमारा मेरे दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे है, मंदाकिनी, अलकनंदा, चिप्रा या गंगा, सभी को मालूम है दोस्तों यहां पर क्या, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी रिवर जो है अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। कोई आपको पढ़ा रहा है कि केदारनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है तो सरासर गलत लगा देना, ठीक है, कहीं पर पढ़ा देख लो तो उसको भी गलत लगा देना, आंसर कर देना मंदाकिनी दोस्तों। कब गया KBGY, कब गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये आप लोगों का छोटा चार धाम है, याद रखिएगा। पेथापुर के प्रिंटिंग ब्लॉक को GI टैग किस राज्य में मिला है, तो पेथापुर के प्रिंटिंग ब्लॉक को जो GI टैग है सभी को मालूम है, जल्दी से बताइएगा पेथापुर के प्रिंटिंग ब्लॉक को कहां से मिला है, तो आंसर कर देंगे दोस्तों गुजरात से, जहां का पतन पटोला है। पतन पटोला मतलब पतन की साड़ी है, याद रखेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश की अरकू वैली अरेबिका कॉफी है दोस्तों। महाराष्ट्र और कर्नाटक, अगर कोई ज्यादा नाटक करेगा तो उसको रास्ते पे लाने के लिए कोल्हापुरी चप्पल, तो कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक महाराष्ट्र है, याद रखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र की सांगली हल्दी है और अल्फांसो आम भी GI टैग है, और कर्नाटक की बाबू बुंदागिरी कॉफी है, चिकम मगलूर कॉफी है, और आप लोगों की कौन सी कॉफी है,
एक हमारी बाबू बुंदागिरी से चिकमंगलूर है, और तीसरी का जल्दी नाम बताओ, स्किप हो गया माइंड से, बाबू बुंदागिरी, चिकमंगलूर और एक और है, एक और कुर्ग अरेबिका कॉफी, तीनों याद आ गई हैं। तो कुर्ग अरेबिका कॉफी जो है आप लोगों की, वो भी कहां की, कर्नाटक की है। दोस्तों किसने प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, जिसे कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, जैसे मैथ का नोबेल एबल प्राइज को माना जाता है, वैसे ही विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का एग्रीकल्चर माना जाता है। कहां गए मेरे दोस्तों, रतनलाल, और इसी कारण से रतनलाल और उमा लेले को इस बार मेरे दोस्तों यूएनओ में सम्मानित भी किया जाएगा। याद रखेंगे रतनलाल और उमा लेले को, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। अमृत सेन, शोभा शेखर और पाब्लो अल्बरेंगा को फोटोग्राफर, याद रखेंगे। अमृत सेन को मेरे दोस्तों जर्मन ट्रेड पुरस्कार और शोभा शेखर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद आ गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है फटाफट से, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य में 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर एक चिड़ियाघर। तो मेरे दोस्तों 234 करोड़ हैं और शहीद अशफाकुल्ला खान है गोरखपुर, जहां का टेराकोटा मेरे दोस्तों क्या है, आप लोगों का जीआई टैग है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। लखनऊ में ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कानपुर में दाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और आगरा में पागलखाना है मेरे दोस्तों, बाकी बात करेंगे आगे चलकर के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जोरान मिलोनोविच किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो पहले मेरे दोस्तों अगर हम बात करेंगे क्रोशिया, सर क्रोशिया की कैपिटल क्या है, जागरेब क्रोशिया की कैपिटल है, कोरोना यहां की, कूना यहां की करेंसी है, याद रखेंगे। दोस्तों जोरान मिलोनोविक कहां के राष्ट्रपति चुनाव, क्रोशिया, 2018 में फ्रांस ने फाइनल में हराया था फुटबॉल वर्ल्ड कप के, याद रखेंगे। आयरलैंड की डबलिन है, इटली की रोम है, स्लोवानिया की लजुबजाना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। 40 क्वेश्चन बेहद शानदार तरीके से आपके मैंने कराए हैं, आंसर कर दीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन। सुबह 6 बजे शार्प आ जाएंगे, कल सैटरडे है, स्पेशल क्लास है, सुबह 6 बजे आ जाएंगे लेट्स क्रैक सीटी, मतलब इसी चैनल पर, नए साथी सब्सक्राइब कर लो, और डेली कितने बजे, सुबह 6 बजे ताजा, ओके। कल 12 बजे भी आ जा, IBAS ACIO के लिए ये 12 बजे का सेशन चलता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये अनअकैडमी के ऐप पे प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को जज करना है, तो 10 बजे और 2 बजे आ जाओ, याद रखेंगे। गौरव चौधरी सर्च करके फॉलो कर लेना, GC10 कोड लगा देना, कल दिन में 10 बजे मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय है, लेकिन उससे पहले जो मेरे साथी बिल्कुल बेसिक से चीजों को शुरू कर रहे हैं, 15 तारीख से बैच आ गया है आप लोगों का SSC का, जिसको SSC में पूरे नंबर लेकर के आने हैं दोस्तों, तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन GC10 लगा करके ले लेंगे और चिंता छोड़ देंगे, मैथ रीजनिंग सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे। तो टाटा बाय बाय, क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे, रेलवे के अलावा जो भी साथी है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, जितना ज्यादा इसको शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करिएगा, हम तो आतंक काट देंगे, तब तक इसका पेपर होगा, सारा पेपर यहीं से आउट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आपका पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है, लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, और जय हिंद जय भारत।